जैसे कि अलीराजपुर बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी कम है और यहाँ पर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं। हमारी जो बीसी दीदी है लीला, वो गांव को सुविधा उपलब्ध कराती है। अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, उन लोगों को बैंक तक आने जाने में काफ़ी समस्या होती है, तो बीसी दीदी उनका घर घर जाकर उनका ट्रांजेक्शन करती है। उसमें एक महीने में 40 से 45 लाख का ट्रांजेक्शन करती है और उसका इनकम जो होती है वो 15,000 के लगभग होती है। अगर हम ऐसे ही सभी दीदियों को आत्मनिर्भर बनाते रहें, हर अपने ग्रामीण क्षेत्र के अलीराजपुर ज़िले के जितनी भी महिलाएं हैं जो पढ़ी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हो, 10वीं से 12वीं, अपन ऐसी दीदियों को अगर एक गाइड करे और उनको मार्गदर्शन दे, तो मुझे लगता है कि अलीराजपुर जिला पिछड़े जिले से हट भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर बनने के लिए तत्पर भी हैं।